देखिए, जब कोई बड़ा नेता है जिसने वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के लिए आधार तैयार किया हो और उनका विचार परिवर्तन हुआ, उनका हृदय परिवर्तन हुआ, हमारे साथ आए, तो वो कांग्रेस का एक जो बड़ा गुम्बद गिरता है तो कांग्रेस का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ ही है। चुनावों के समय कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं और हर नेता के साथ अलग अलग विषय होता है, सबको हम एक साथ नहीं ले सकते। अनुमान है कि हम 150 सीटों पर जाएंगे। मध्य प्रदेश में जगह जगह जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, चुनाव नजदीक हैं और शिवराज सिंह चौहान अपनी पूरी तैयारी में लगे हैं। आगर मालवा में आज जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है और आगर मालवा जिले में एंट्री करने के समय पर हम यहां गाड़ी में मौजूद हैं। हमारे साथ जयभान सिंह पवैया जी हैं, जो महाराष्ट्र के सह प्रभारी भी हैं और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ने वाले भाजपा के दिग्गज नेता हैं। पवैया जी, सिंधिया जी बीजेपी में आए, कितना फायदा हुआ है सिंधिया जी के आने से? देखिए, जब कोई बड़ा नेता है जिसने वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के लिए आधार तैयार किया हो और उनका विचार परिवर्तन हुआ, उनका हृदय परिवर्तन हुआ, हमारे साथ आए, तो वो कांग्रेस का एक जो बड़ा गुम्बद गिरता है तो कांग्रेस का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ ही है, लेकिन हमारे जनाधार में बढ़ोतरी होगी तो स्वाभाविक सी बात है। दूसरा आपसे कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता है, जो पुराने नेता है, शेखावत जी समझे हम या शर्मा जी समझे या दीपक जोशी, आखिर इन्होंने पार्टी बदली, कांग्रेस में गए, क्या वजह हो सकती है? ऐसा है, चुनावों के समय कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं और हर नेता के साथ अलग अलग विषय होता है, सबको हम एक साथ नहीं ले सकते। ये जरूर है कि संवाद से ऐसे मामले सुलझ भी जाते थे, एक समय होता था, लेकिन कभी कभी धैर्य और संयम का हमने कितना उपयोग किया, इसमें कहीं चूक होती है तो रास्ते बदलते हैं, कई नेता बदलते हैं। तकलीफ तो होती है जब कोई परिवार से जाता है, लेकिन राजनीति में सबसे बड़ी ताकत किसी नेता की है तो वो पेशेंस होता है, धैर्य होता है, संयम होता है, क्योंकि विचारधारा कभी कपड़ों की तरह नहीं बदली जा सकती है। आज मुझे कोई पूछे कि आपका अंतिम संकल्प क्या है, सबसे बड़ा पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, मेरी जब अर्थी जाए तो उस पर भगवा डाला जाए, मेरा संकल्प तो ये है। तो इस तरह जब हम सोचते हैं तो रास्ते नहीं भटकते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है, वो दुखद है। ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करें तो आपने और तोमर साहब ने काफी संघर्ष किया वहाँ और कांग्रेस के खिलाफ हमेशा खड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ एस्टेब्लिश किया। आज वर्तमान में सिंधिया के समर्थक लोगों को ही टिकट वहां से मिल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? आपको जानकारी ठीक नहीं है। टिकट का निर्णय तो मेरिट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में होता है और ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का उच्च नेतृत्व करता है, किसी नेता के कारण निर्णय होता है ऐसा भारतीय जनता पार्टी में होता नहीं है। हाँ, उस समय विधायक हमारी पार्टी में आए और बाई इलेक्शन में उनको लड़वाने का कमिटमेंट था, उनको लड़वाया गया, लेकिन टिकट की कसौटी तो जीत का आधार होने वाला है, वो किस नेता के लोग हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। जिताऊ जो होंगे उनको भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो मैदान में उतार जाएगा। सर, कितना आश्वस्त है मध्य प्रदेश में सरकार को लेके, क्योंकि जो कुछ सर्वे हुए थे 4 माह पहले उसमें कांग्रेस जो है वो लीड बनाती हुई दिखाई दी। देखिए, ये अब मैं सारे सर्वे पर उंगली तो नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ये जो कांग्रेस फर्जी वाला सर्वेज को पोर्टलों पर डलवा डलवा कर जिस तरह का
एक भ्रम पैदा कर रही है, ये सत्य नहीं है। मैं रतलाम से आज तीसरे दिन यात्रा में हूँ, सर्वे तो जनता के चेहरों पर मैं देख रहा हूँ। आप बताइए आज के युग में 1 बजे रात को बरसते हुए पानी में हाथों में फूल लिए सैकड़ों लोग सड़कों पर खड़े होंगे क्या? वो हमारे बंधुआ नहीं है, लेकिन उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी में। देखिए 18 साल के काम को कांग्रेस चुनौती नहीं दे सकती। कितनी सीट आ रही है और मोदी जी के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन जो भारत का मान बढ़ रहा है, जो धमक बढ़ रही है, जो बेघरों को घर मिले हैं, जो नलों का पानी घर में पहुंच रहा है, तो योजनाओं का लोग एहसास कर रहे हैं। और इसलिए 2018 की तुलना करते हुए कांग्रेस इस भ्रम में आ जाते हैं। आपने सामाजिक दंगे कराए, आपने हिंसा भड़कवाई, एनजीओज के साथ मिलकर कांग्रेस ने ये षड्यंत्र किया और उसका परिणाम निकला था कि हम कुछ अंचलों में पीछे रह गए और कुछ अंकों से कांग्रेस की सरकार बन गई थी। इस बार वो परिस्थितियां नहीं, हम सावधान है कि इस तरह की सामाजिक आग जलाने में हम कांग्रेस को कामयाब नहीं होने देंगे। कितनी सीटें ला रहे हैं सर मध्यप्रदेश? मेरा अनुमान है कि हम 150 सीटों तक जाएंगे। हमारा अंतिम सवाल है, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? इस सवाल का जवाब एक समर्पित कार्यकर्ता के पास नहीं होता है। हम पुर्जे हैं, इंजन में कहाँ लगाना है ये मैकेनिक का काम, और मैकेनिक तो मेरा हाईकमान है, तो मेरा उपयोग क्या है ये नेतृत्व तय करता है। पार्टी के लिए मुझे काम करना है ये मेरा कर्तव्य है। इसलिए ये बहुत गौण सवाल है मेरे जीवन में, तो मैं विचार के लिए जीने वाला आदमी हूँ और टिकट, चुनाव, सत्ता, पद ये मायने नहीं रखते। मेरी यात्रा विचार के लिए बहुत लंबी यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी में तो 98 जनवरी में माधवराव जी से लड़ने के लिए मैं आया था, लेकिन मैंने जिस विचारधारा के लिए काम किया है उसमें ये टिकट और ये चुनाव बहुत बड़े मुद्दे हैं। तो देखिए पवैया जी ने जिस तरह बताया कि टिकट का जो आधार है वो जीते हुए लोगों को मिलेगा, और इन्हें विश्वास है कि 150 से अधिक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी। विजय राहुल के साथ प्रमोद कारपेंटर, आदर मालवा, एमपी तक।